दानिश, दानिश, अमित, Tony, well, I mean, for the, you know, the average investor, I mean, we're used to seeing Good morning. Good afternoon. Ooh, I'm tired. As usual. क्या न्यूज़ है आज की? अंदर की या बाहर की? अंदर की न्यूज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. बाहर क्या हो रहा है? अंदर की न्यूज़ में भी इंटरेस्ट रखा करो. कब से कह रही हूँ ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स बदलनी है. बदल लो ना भाई. अपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे बदल दूँ? जैसे हमेशा बदलती हो. I can come with you, but I can't choose. ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड कुछ प्लान करेंगे. आज सोच रही हूँ कुछ नया बनाऊँ. तुमने जो मर्जी बनाना है बनाओ, लेकिन मुझे प्रॉन जरूर बना देना. ओह या या बिल्स पे कर दिए तुमने कल? और आंटी को जो पैकेज भेजना है वो भी कल. दानिश क्या कल कल कल, 10 दफा तो तुम्हें याद कराना पड़ता है. तुम क्या मुझे बीवियों की तरह डांटती हो? डांट सुनते हो तुम किसी की? अभी तुम तो ना कहो. दुनिया में अगर मैं किसी की बात सुनता हूँ तो तुम्हारी सुनता हूँ, चाहे डांट भी हो. तो थैंक यू बोलूँ तुम्हें इसके लिए? तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोलता. वो तो है, एक नंबर के नाशुक्र हो तुम. या दैट्स मी. डोंट लाई. तुमसे तो झूठ नहीं बोल सकता, यू नो दैट. और अगर बोलोगे तब भी मैं जानता हूँ. I would never lie to you. Trust me. Ab to naam bata do apna, we're old friends. 2 saal ki dosti ko tum old friendship kaise keh sakte ho? Kitne saal chahiye ki tum is friendship ko old friendship kaho? Kam se kam 10 saal. Aur tab tak main tumhe ek fake ID se bulata raha hu. Tumhe Maya mein kya problem hai? Mujhe acha lagta hai ye naam. Me too, lekin ek aur saal intezar kar lo, phir bata dungi. That's not fair. Tum samajh lo mera naam Saveer hai. कैसे समझ लूं? It's not true. Exactly, यही बताने की तो कोशिश कर रही हूं. तुम्हें कैसे पता चलेगा अगर मैं तुम्हें सही नाम बता रही हूं या नहीं? पता तो चल जाएगा, पर यकीन नहीं आएगा. क्या न्यूयॉर्क आने का प्लान बन रहा है? हाँ, कुछ है तो इरादा. Wonderful. तुम आओ, फिर हर रोज मूवी पे लेके जाऊंगा. टेम्प्ट कर रहे हो? नहीं, कन्विंस कर रहा हूँ. लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो शायद मूवी देखने जा ही ना सकूं. क्यों? भाई मेरा असल नाम तक तो तुम जानते नहीं हो, हम कभी मिले नहीं हैं, फिर तुम्हारे साथ मूवी कैसे देखूंगी? मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, बट यू नो माइन. और हम लोग 2 साल से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, इतना तो ट्रस्ट कर सकती हो तुम. ड्राई क्लीनर ये कपड़े लेकर आए, कहाँ रखूँ? अब यहीं रख दो, मैं उठा लेती हूँ. इतनी घबरा क्यों रही हो? नहीं घबरा नहीं रही, बस थक गई हूँ, सोच रही हूँ नैप ले लूँ छोटा सा. अब 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठेंगी तो यही होगा, आई साइट ठीक हो जाएगी ना. तो प्लीज़ बच्चों जैसी बातें ना करो, सारी दुनिया कंप्यूटर इस्तेमाल करती है, हर किसी के सर पे ऐनक नहीं लगी होती. अच्छा भाई जो करना है करो. ट्रस्ट करती हूँ इसीलिए तो मैं अपना दोस्त कहती हूँ. बस तुम न्यूयॉर्क आओ, फिर अपनी फैमिली से मिलवाऊँगा. फैमिली से क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ. भैया आई लव यू. जितने मजे के प्रॉन्स तुम बनाती हो ना, दुनिया में इतने मजे के प्रॉन्स कोई नहीं बनाता होगा. यू शुड सीरियसली लुक इनटू ओपनिंग अ सी फूड रेस्टोरेंट. प्रॉन्स बनाना मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सीखा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सी फूड में और रेस्टोरेंट्स में. And you know, I appreciate that. Oh. अम्मी का फोन. हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी. हेलो बेटा, कैसे हो तुम? जी बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हो रहा है? मैं जी बैठा हूँ यहाँ जीनिया के अपार्टमेंट में, लंच कर रहे हैं। मेरा सलाम बोलना। अम्मी जीना सलाम कह रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है उसका? अम्मी पूछ रही कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, वो कैसी है? अम्मी वो कह रही है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो बात करा दो ना मेरी, तुम क्यों मैसेंजर बन गए हो? जी अम्मी ये बात कर ले, आप अम्मी से बात कर लो। अस्सलामुअलैकुम आंटी। जीती रहो बेटा, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद आज बात हो रही है तुमसे। जी आंटी। दानिश को मैं पूछती रहती हूँ तुम्हारे बारे में, और अगर ना भी पूछूँ तो बस तुम्हारा नाम उसकी जुबान पर होता है, ये अपने कंप्यूटर का। जी कंप्यूटर तो वो हर दो महीने में बदल लेता है। इतना ख्याल रखती हो तुम वहाँ उसका, मेरी तो आधी फिक्र तुमने ख़त्म कर दी है बेटा। जी आप बाकी आधी भी मुझ पर छोड़ दें। हाँ डोंट वरी आंटी, लें दानिश से बात करें, खुदा हाफिज। जी अम्मी। हेलो बेटा, अच्छा यूँ करो तुम लोग दोनों खाना खाओ, मैं दोबारा कॉल करूँगी, ठीक है? जी अच्छा, खुदा हाफिज। तुम्हारी अम्मी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल करती हैं तुम्हारा। अम्मी बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं मेरा। तुम आना नहीं सिर्फ पाकिस्तान, हमेशा कहती हैं जी को लेके आओ। आऊँगी, बहुत अरसे से गई भी नहीं, तुम्हारी फैमिली से भी मिलना चाहती हूँ। तुम क्या मिलना चाहती हो? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, मैंने इतना जिक्र किया तुम्हारा, यू लाइक पार्ट ऑफ अ फैमिली नाउ। माही तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हाँ सैफी क्या हाल है? मैंने कितनी बार कॉल किया तुम्हें, सेल साथ रखा करो तुम। यार वो एक्चुअली सवेरा आई हुई है ना, इसलिए बिजी हूँ, बाद में बात करें। She makes me so jealous. वो आती है तो तुम मुझे इग्नोर करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, और गुस्सा मत करो, आराम से बात करते हैं। ओके ओके बाय। ओके ये सैफी कौन है? फ्रेंड है। तुम्हारे तो दो चार दोस्त हैं, उनमें से कोई सैफी नहीं है। एक्चुअली फ्रेंडशिप ऑर्किड पे हुई थी, और फिर उसने मुझे फेसबुक पे भी ऐड कर लिया, तो बस दोस्त बन गया। और तुमने अपना सेल फोन नंबर उसको दे दिया? आर यू एन इडियट? क्या होता है यार, वो पाकिस्तान में थोड़ी रहता है, अमेरिका में रहता है। और वो तुम्हें वहाँ से फ़ोन करता है? और तुमने मेरा नाम तक बता दिया। गॉड से एक सवेरा, दुनिया में करोड़ों सवेरा हैं, उसे क्या पता तुम कौन सी वाली हो? मुझे पता था तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम इतनी बेवकूफ़ हो। अपना सेल फोन नंबर दे दिया, उसको दोस्त बुला। यार माही कैन हार्म यू? कैसे, उसे मेरा असल नाम तक नहीं पता, एक स्टूपिड सी प्रोफाइल पिक्चर देखी है सिर्फ उसने मेरी। और तुम्हें पता है ये जो फ़ोन है ना मेरा, वो हाशिर भाई के नाम पे है, अगर मैं आज गुम हो जाऊँ ही विल नेवर बी एबल टू फाइंड मी। व्हाटएवर माही, इस तरह दोस्त मत बनाओ, यू हैव इनफ फ्रेंड्स एज इट इज़। फॉर फन सेक यार, आई मीन मुझे अच्छा लगता है उससे बातें करना, उससे चैट करना। यू आर प्लेइंग विद फायर। यार मैं इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताती, तुम्हें जवाद और अंकल के डर की वजह से ज़िंदगी में फ़न का मतलब ही नहीं पता। ये जवाद भाई और अबू की बात नहीं है, फेसलेस फ्रेंड्स आर डेंजरस, और मुझे कोई फजूल एक्टिविटीज़ में शामिल होने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन सवेरा मुझे शौक है, मुझे उससे बातें करना और चैट करना अच्छा लगता है, दैट्स इट, सिर्फ दोस्त है मेरा, सीरियसली। तो वाशिंगटन नहीं जा सकती? दानिश बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। यार मेरा तो सोचो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? कम ऑन दानिश, 5 साल पहले जब मुझे लंदन का चांस मिला मैं गया। नहीं लेकिन लंदन कितनी, और 2 साल पहले जब मुझे कैलिफोर्निया जाना था, मुझे जाने से किसने रोका? मैंने ही रोका था, लेकिन वो वेस्ट कोस्ट, दैट सेटलमेंट, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। कैन यू थिंक ऑफ लीविंग मी लाइक दिस? या What? No. इतने sensitive कम से हो गए तुम? Yeah. Doesn't make any sense to me at all, see? Well, it does to me. तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी न्यूयॉर्क में opportunities खोकर? जब तक दानिश यहाँ है। और दानिश साहब का यहाँ से जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। जी नहीं। और आप इस शख्स की खातिर अपना तमाम करियर तबाह करने पे तुली हुई हैं। लिली मेरे लिए दानिश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट जी, मगर डू यू रियलाइज तुम्हें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? वो वॉशिंगटन ऑफिस में तुम्हें हेड के तौर पर रखना चाह रहे हैं, तुम इसका मतलब जानती हो? लिली दानिश मेरे बगैर नहीं रह सकता,
यू नो हाउ डिपेंडेंट ही इज ऑन मी. उसको अपने सब कामों के लिए मेरी जरूरत होती है. फॉर गॉड्स सेक जी, ही इज 38 इयर्स ओल्ड. वो अपने काम खुद ही कर लेगा. कर लेगा? उसको पूरे हफ्ते का खाना कौन बना कर देगा? यू नो ही कांट इवन कुक फॉर हिमसेल्फ. ही कैन इफ यू लेट हिम. इतने सालों में तुम उसकी इस तरह खिदमत ना करती तो वो कभी पैरासाइट ना बनता. डोंट कॉल हिम दैट. ओके आई एम सॉरी, आई वोंट कॉल हिम दैट, बट यू हैव टू एग्री वो बहुत सेल्फिश इंसान है. 10 सालों में उसने तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करने नहीं दी, ना न्यूयॉर्क के बाहर ना ही यूएस के बाहर. यू हैव प्रैक्टिकली रिस्क्ड योर एंटायर करियर फॉर दिस मैन. तो वो भी तो न्यूयॉर्क से बाहर कहीं नहीं गया. उसको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी लेकिन मेरे कहने पर वो कहीं नहीं गया. तुम्हारे कहने पर? आई हाईली डाउट दैट. अपॉर्चुनिटीज उसको जरूर मिली. बेनिफिट्स होते उनमें तो वो जरूर जाता. वो तभी जाता अगर मुझे ऑब्जेक्शन ना होती. ही केयर्स फॉर मी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इफ ही केयर्ड फॉर यू तो वो तुम्हारे करियर की भी केयर करता. तुम्हें इस तरह अपने खाने और कामों के लिए नहीं बांध के वो रख सकता. मुझे इस बारे में अब और बात नहीं करनी. तुम्हारे जैसे बेवकूफ कभी दुनिया में कम नहीं होंगे. हम That's a nice necklace you're wearing. Yeah, it is nice. दानिश की अम्मी ने भेजा है मेरे लिए और साथ में बहुत सारे कपड़े भी भेजे. Beautiful embroidery and what not. I'll show you. बहुत अच्छे. अच्छा बात कुछ कपड़ों और जेवरों से आगे भी बढ़ेगी. दानिश साहब ने कुछ हिंट कराई आपको? यार तुम्हारी तो सुई एक ही जगह आकर अटक जाती है. कितनी बार कहा है मुझे कोई जल्दी नहीं है. जीनिया तुम्हें क्यों होनी चाहिए जल्दी? आफ्टर ऑल यूर ओनली 36, 37, क्लोज टू 40, राइट? ये तुम लोगों की कोर्टशिप या जो वट एवर इट इज कितना अर्सा चलेगी? और आई नो तो क्या भाई, ना वो कहीं भागा जा रहा है ना मैं कहीं भागी जा रही हूँ. और अगर भाग गया तो? दानिश विल नेवर लीव मी. इट्स इम्पॉसिबल. बिस्किट खा रही हूँ यार. खाओगे? हाँ दे दो. कभी तो किसी चीज़ को इनकार कर दिया करो. तुम्हारी ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकता मैं. वाओ कितने ओबीडियंस दिखा रहे हो. हंसी आती है. वो तुम्हें किस बात पे नहीं आती? मजाक उड़ा रहे हो मेरा. नहीं फैक्ट बता रहा हूँ. क्यों हंसती नहीं हो तुम? अच्छा मैं एक बात सोच रही थी. क्या? हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन कॉलिंग मी एवरी मंथ? व्हाई आर यू आस्किंग? वैसे ही देखना चाह रही थी. मुझे खुद नहीं पता. It doesn't matter though. I can spend millions on calling you. Millions? Oh my God! What a waste. वैसे भिजवा दो. अच्छी तरह से खर्च करूँगी. Millions क्या? Billions होंगे तुम्हारे लिए होंगे. I know. जब billions होंगे तो thousands and thousands of girls भी होंगी तुम्हारे इर्द-गिर्द. लेकिन एक ही बीवी होगी. And that'll be you. Please, अब बकवास मत शुरू कर देना. No, that's a fact. I can tell you. Oh God! क्या हुआ? मेरा पिज़्ज़ा जल रहा होगा. माया तुम कितना खाती हो? बकवास बंद करो. मेरा पिज्जा जला होगा. ओके बाय. तुम्हें मेरी किसी बात की समझ क्यों नहीं आती यार? मेरा पिज्जा जल रहा होगा किचन में. पिज्जा किचन में रखना है तो इतनी बदतमीजी करने की क्या जरूरत है भाई? ओह माय गॉड जवाद, आई कांट बिलीव तुम कहां से आ गए. किसका दिमाग खाया जा रहा है? तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी बहन का तो नहीं खा रही? तुम्हारी बहन? ओह माय गॉड कितनी फिकर है अपनी बहन की. अगर आप बहन होती तो आपकी फिकर होती. तुम्हारी बहन होती तो मर जाती. तो मैं जिंदा रहता क्या? दुनिया में एक इतनी अच्छी लड़की और वो भी मेरी बहन हो जाए तो फिर इंसान को मर ही जाना चाहिए. आई स्वेयर यार कितना टाइम हो गया तुम्हें वहाँ रहे हुए. अब तो तुम्हारी शादी पे ही आऊंगा मैं. शादी में आना है तो वहीं रहो. अच्छा मेरी बात सुनो. सुना है कि एक बार फिर आप सेमेस्टर में फेल हो गई हैं हसबे रिवायत. फोन बंद कर रही हूं मैं. ओके बाय. शर्म करो. 7 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे ऐसे बात करते हैं? 7 लाख दफा तुम मुझे ये बातें जता चुके हो. अब मुझे तुम्हारी इज्जत ही नहीं करनी आती तो मैं क्या करूँ? ओके बाय. आज फिर तुमने कॉलेज से छुट्टी कर ली? अम्मी वो किसी ने सुबह उठाया ही नहीं मुझे. मैंने खुद तुम्हें उठाया था. वो नींद में थी ना इसलिए दोबारा फिर से सो गई. तुम्हें कब ख्याल आएगा कि तुम्हारी इम्तिहान सर पर है? अच्छा ना चली जाऊंगी. फिलहाल मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए. पैसे? वो किस लिए? शॉपिंग के लिए.
तुमने शॉपिंग के खातिर आज कॉलेज से छुट्टी कर ली? नहीं नहीं, प्रॉमिस इसलिए नहीं की। और आप क्या बार बार कॉलेज याद दिला देती हैं, चली जाऊँगी ना। फिलहाल तो मैं आपसे पैसे मांगूँगी। क्या खरीदना है? मुझे कुछ सीडीज चाहिए, मेरी सीडीज ख़त्म हो गई। मुझे पता था तुम सीडी के अलावा और क्या शॉपिंग कर सकती हो। अम्मी प्लीज़, क्या पता लाएगी तुम्हें? इतना कम कम तो पैसे मांगती हूँ। कम कम मांगती हूँ? वाह, यहाँ वहाँ ना लगाएं। अच्छा, मैं लगा के रखती हूँ, जरा देखो कैसी लगती है। नहीं, यही लगाते हैं। मैं तो तुम्हें कह रहा था कि अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है ना। ओके, ओ गुड, सीधी भी है। सीधी भी है। तुमने ग्रोसरी लिस्ट बना ली है? नहीं अभी नहीं बनाई, मैं तुम्हें बना के मैं रात को ईमेल कर दूंगा। अच्छा प्लीज डोंट फॉरगेट ना, मैं कल जा रही हूँ ग्रोसरी के लिए। ठीक है, और ये जरा देख लो, डिशवॉशर को भी कुछ हो गया है। क्या हुआ? आई डोंट नो क्या हुआ, चेक कर लो। देखती हूँ। आफिया, इस दफा दानिश आए तो तुम उसकी शादी कर दो। कब तक खुला छोड़ोगे उसे? मेरा बस चले, मैं तो आज ही कर दूँ उसकी शादी। हर इंसान मुझसे पूछ रहा है, रियली। ठीक है, अब की दानिश आए ना तो मैं उससे बात करूँगी। कब तक तुम्हें तरसाता रहेगा? तुम बस लड़की ढूंढो उसे। लड़की तो मैंने ढूंढ ली। किसकी लड़की ढूंढने की बातें हो रही हैं? ना सलाम ना दुआ। आप ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। भाई सलाम दुआ भी हो जाएगा, मेरे सामने माही को कुछ ना कहा करो तो। देखा मैम, तो फिर बताए ना आंटी किसके लिए लड़की ढूंढ रही है? दानिश के लिए। रियली? वाओ, दानिश भाई के लिए लड़की ढूंढी जा रही है? ढूंढ नहीं रही हूँ, ढूंढ ली है मैंने। तो फिर मुझे भी दिखाए ना, मुझे भी मिलना है उनसे। भाई आ तो लेने दो उसे, और तुम्हें दिखाए बगैर कैसे होगी शादी उसकी है? मुझे कभी कभी लगता है ये मेरी असली है। लव यू कामरान, है सच अ विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। जोकर है यार, तुम्हारा पूछ रहा था। मैं पूछा था ज़िनिया की शादी हुई है कि नहीं। मैंने कहा ना उसकी शादी हुई है ना मेरी हुई है। We are still too young to get married. Is he married? हाँ हाँ, तीन बच्चे हैं, बीवी डॉक्टर है। न्यूयॉर्क में कब तक है? कह रहा था 2 हफ्ते हैं शायद। उसके बाद उसने जाना टोक्यो किसी प्रोजेक्ट के लिए। Good old days. Good old days. मैंने उसको बुलाया खाने पर, तुम भी आ जाना। मेरे बगैर तुम्हारा डिनर हो सकता है? मैं ही तो बनाऊंगी। अरे नहीं यार, बाहर चलेंगे कहीं। दानिश, यू डोंट लाइक ईटिंग आउट। तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ यार। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू यार, यू नो दैट। आई नो दैट। काफी टाइम लिया तुमने मुझे प्रपोज करने में, 2 साल। मैं सीरियस हूँ माया। तो मैं तुमसे भी ज्यादा सीरियस हूँ। प्लीज डोंट ट्राई एंड फ्लर्ट विद मी, ओके? तुम ऐसा सोच सकती हो मेरे बारे में? हाँ, क्यों? मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी तुम्हारी मुझसे 2 साल से दोस्ती है। अब प्लीज ये मत कहना मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ। मैं कम कह रहा हूँ ऐसे, मेरे और दोस्त भी हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, लेकिन किसी के साथ 6-6 घंटे बात नहीं करता हूँ मैं। क्यों? I can't. They must be really boring then. पता नहीं। All I know is I don't think about them, I think about you. प्लीज सैफी, हम कोई और बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे यही बात करनी है। सैफी प्लीज, तुम चाहते हो मैं तुमसे नाराज हो जाऊँ? तुम कर सकती हो ऐसे मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? वैसे तुम नाराज होगी मैं मना लूँगा तुमको। वो तो तब होगा ना जब मैं तुमसे बात करूँगी। ये तुम कभी नहीं कर सकती। चैलेंज कर रहे हो? हाँ, आई मीन हाउ मेनी डेज कैन यू सर्वाइव विदाउट टॉकिंग टू मी। तुम्हें पता है सैफी ने मुझे प्रपोज किया है। डोंट टेल मी। आई एम। तो क्या? कुछ नहीं। तो फिर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? मेरा दिमाग खराब है क्या यार? तुम ऐसे करो, उससे शादी कर लो और आंटी को बता दो। आर यू मैड? मैं सैफी से शादी करूंगी। तो फिर तुम क्या उससे फ्लर्ट कर रही हो? फ्लर्ट नहीं कर रही, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। आई डोंट थिंक ही थिंक्स यू जस्ट फ्रेंड्स। ये सिर्फ उसका मसला है फिर। मुझे तो लगा था कि तुम सीरियस हो उसके बारे में। मुझे छोटे लड़के नहीं पसंद। आई लाइक मैच्योर मैन, यू नो, रॉबर्ट डी नीरो, अल पाचिनो टाइप्स। एओ, खुदा का खौफ करो, तुम एक अंकल से शादी करोगी? अंकल की क्या बात है, एटलीस्ट मेरा शौहर कम अज़ कम 35+ होना चाहिए, और अगर 40 हो जाए तो और भी अच्छी बात। क्यों? क्योंकि आई फील ओल्डर मैन नो हाउ टू टेक केयर ऑफ अ वुमन। वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, आजकल के लड़कों की तरह नहीं होते।
कि हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करते रहे। ये सब आंटी को पता है? नहीं, और क्या ज़रूरत है, अभी कौन शादी कर रहा है। और कितनी देर मेल देखोगे? मेल नहीं देख रहा मैं अब। तो बंद कर दो उसे। तुम्हें कुछ दिखाना है? ये क्या है? लड़कियाँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, मुझे क्यों दिखा रहे हो? इन दोनों में से कौन सी अच्छी है? दोनों अच्छी। अम्मी को फिर भूत सवार हो गया मेरी शादी का, रोज तस्वीरें भेज देती है मुझे। I think she's really serious about my शादी। और तुम? मैं भी सोचने लगा हूँ ऐसे। देखो रियलिटी इज कि मैं इकलौता बेटा हूँ, शादी तो मुझे करनी है। So I might as well take the plunge। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल हो सकता है? मुझे तो ये दोनों लड़कियां नहीं पसंद है। अम्मी को भी और मेहनत करनी पड़ेगी। I can't believe it. I simply can't believe it. तुम तो मुझसे कहती आई हो कि वो शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, अब वो शादी प्लान कर रहा है। उसने मुझसे हमेशा यही कहा लेली। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह अचानक। और तुम उसके घर पे बैठ के उसकी माँ की लड़कियों की भेजी हुई तस्वीरें देख रही थी एडिटर बन के। तो क्या करती? तुम तो मुझसे हमेशा कहती थी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे हमेशा लगता था कि हो सकता है वो मेरे साथ मजाक कर रहा हो। डोंट फूल योरसेल्फ जी, वो मजाक नहीं कर रहा, वो वाकई शादी का सोच रहा है। अच्छा सुनो, व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक टू हिम, जाके उससे अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, उससे बताओ कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। लेले, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझसे मोहब्बत ना करता हो, कि वो किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में लाने की सोच रहा हो। We've spent years together. Have I misunderstood him all this time? वही तो मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे जाके ये सब बातें करो। और अगर उसने मुझसे कह दिया कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, तो मैं तो मर जाऊँगी। तुम्हें हमेशा इतना नेगेटिव होना जरूरी है? ये भी तो हो सकता है कि वो भी डरा हुआ हो सकता है वो सोचता हो कि तुम शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसीलिए वो तुम्हें तस्वीरें दिखा रहा था तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। यू थिंक सो? ऑफ कोर्स, इट्स पॉसिबल। हो सकता है कि वो भी डरा हुआ हो, वो तुम्हें प्रपोज करे और आगे से तुम इनकार कर दो। यू आर राइट, वो मेरा रिएक्शन देखना चाह रहा होगा। ना ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग जो एक दूसरे को 10 साल से जानते हो, एक दूसरे को समझ ही ना पाए। यही तो चाहती हूँ कि तुम उससे ये सब बातें करो। इट डजंट मैटर तुम उससे प्रपोज करो या वो तुम्हें प्रपोज करे। मैं उसे प्रपोज नहीं करूँगी। आई विल जस्ट टेल हिम दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम।
जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बेटा तुम्हारे दोस्त को लड़कियों की तस्वीरें भेज भेज के बस तंग आ गई। तुम समझाओ ना उसे, कह रहे थे जिनिया को भी दिखाई हैं तस्वीरें। जी आंटी। अच्छा तुम्हें कैसी लगी? जी अच्छी है। गुड, तो तुम समझाओ ना दानिश को बेटा, तुम्हारी तो बहुत बात मानता है वो। सुनो दुनिया, एक लड़की थी ग्रीन आउटफिट में, याद है तुम्हें? लंबे उसके बाल थे, वेरी नाइस गर्ल भाई, आई हैव मेट द फैमिली, यहाँ कराची में मिली थी मैं उनसे, आई लाइक्ड हर। अच्छा एक और है, यू नो शी वाज वेयरिंग अ ब्लैक शलवार कमीज, छोटे कटे हुए बाल हैं, कुछ 20-22 साल की होगी, और मैं मिली भी हूँ पेरेंट्स से, वो अमेरिकन नेशनल भी है, लेकिन यहाँ सारी तालीम उसकी यहाँ हुई है। आई टेल यू इतनी अच्छी लड़कियाँ यहाँ, पता नहीं दानिश को समझ क्यों नहीं आती, तुम ही उसे समझाओ प्लीज। अपनी लड़कियों की बातें कर रही है ना? जी जी अम्मी, मैं फिर आपसे करता हूँ बात। जी ओके, खुदा हाफिज़। अम्मी भी बस लड़कियों की बातें शुरू करती है ना तो फिर बंद नहीं करती। तुम पाकिस्तान जा रहे हो? हाँ। तुम तो दुबई जा रहे थे। हाँ वो दुबई में कॉन्फ्रेंस है ना, 13 को जाऊंगा। फिर दो हफ्ते की छुट्टी अप्लाई की हुई थी, तुम्हें तो पता है वो मंजूर हो गई, तो मैंने सोचा पाकिस्तान का एक चक्कर लगा लूँ, 4 साल हो गए नहीं गया मैं, तुम्हें बताने वाला था मैं भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आंटी बहुत सीरियस हो रही हैं तुम्हारी शादी के बारे में। She's damn serious. 200 लड़कियों की तस्वीरें भिजवाई उन्होंने मुझे, तो मैं सिर्फ मैंने 2 दिखाई हैं। क्या करूं यार, कमिटमेंट अगर ना होती ना अम्मी से तो। कमिटमेंट? हाँ अम्मी को मैंने कहा था जब भी मैं शादी करूंगा मैं उनकी मर्जी से करूंगा, और वो भी पाकिस्तान में, इसलिए बस अब। पाकिस्तान में क्यों, आंटी को यहाँ की लड़कियां नहीं पसंद? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शी हेट्स देम, शी थिंक्स कि वो बहुत ज्यादा लिबरल है और दे वोंट मेक गुड वाइव्स। और तुम क्या सोचते हो? मेरा कोई ओपिनियन नहीं इस पे। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कोई तो राय होगी। वेल अम्मी समझती है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, कम से कम 22 साल की होनी चाहिए, उसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो लड़की की तस्वीर दिखाई थी ना मैंने तुम्हें जो लास्ट, वो 23 साल की है। तुम मजाक कर रहे हो ना? नो आई एम सीरियस। मजाक कर रहा हूं। कार्ड का है? नहीं है कार्ड। नहीं है कार्ड? तुम किसी कार्ड वार्ड के लायक नहीं हो बस। अच्छा हाँ जाओ बैठो, खाना लगा रही हूँ। ऑलराइट। तुमने बात की उससे? नहीं। क्यों? मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसमें डिस्टर्ब करने वाली कौन सी बात है? बहुत बड़ी बात थी जो मैं उसे करने वाली थी, वो डिस्टर्ब हो जाता। उससे मैं बात करूंगी। क्या? तुम्हारी और उसकी शादी की। लिली प्लीज। इतना तो मैं उसको जानती हूँ। देखो मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, एंड आई डोंट थिंक आई वांट टू मैरी हिम। क्यों? I don't think I'm a good match for him. ये तुमसे किसने कह दिया? मैंने खुद असेस किया। कैसे असेस किया? वो मुझसे कम उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है लिली। ये उसने तुमसे कहा? उससे तो मेरी कोई बात नहीं हुई इस बारे में। देखो जी ये सब स्टूपिड बातें हैं। The only thing that matters is कि तुम उससे प्यार करती हो और तुम दोनों की कंपैटिबिलिटी है बस। कब आ रहे हो तुम वापस? बताया तो है तुम्हें मैं कब आ रहा हूँ। तो दोबारा बता दो। 15 दिन के बाद। बोर हो जाऊंगी, पता नहीं इतने दिन तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। रेस्ट करना, कम से कम मेरे काम तो नहीं करने पड़ेंगे ना तुम्हें। तुम मत बोलो। अच्छा नहीं बोलता यार।
दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ चलूं इस बार। हाँ तो चलो ना, टिकट लेते हैं, चलो लेट्स गो। मजाक कर रही हूँ, तुम जाओ, तुम्हें बहुत काम होंगे। इस दफा काम तो है काफी। आंटी फिर तुमसे शादी के बारे में बात करेंगे, इस बार तो उनके पास बहुत वक्त होगा तुम्हारा माइंड चेंज करने के लिए। इस बार उनको मेरा माइंड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा? Yeah, I'm serious. शादी की बात करूँगा मैं उनसे इस दफा। ऐसी क्या बात करोगे शादी के बारे में? तुम्हें वापस आके बताऊंगा। अभी क्यों नहीं? तुम्हें सरप्राइजेस नहीं पसंद? ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाले हो तुम मुझे? It's gonna be the surprise of your life. बहकाओ मत। Surprises make life worth living. ये क्या फिलॉसफी है? आप जैसी दिल कर रहा था फिलॉसफर बनने का। टॉपिक चेंज करने के और भी तरीके होते हैं। फिलॉसफी का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। You're very intelligent. I'm really proud of you. No, I'm not. Well, you better be. Because otherwise, तुम फिर पछताओगी। क्या मतलब? जब मैं वापस आऊँगा। ऐसा क्या करने वाले हो जो बार-बार कहे जा रहे हो? कहीं शादी करके मत आ जाना। That's not a bad idea. लेकिन एक मसला होगा। क्या? दुल्हन पाकिस्तान में नहीं होगी, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीरियसली?